हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक के शुभ फिल्म्स में। दोस्तों आज सैटरडे है, लेकिन सैटरडे सवाल जवाब मैं लेकर आ गया हूँ, बिकॉज अब से जो संडे सवाल जवाब की वीडियोस आती थी वो अब से सैटरडे सवाल जवाब की वीडियोस बनकर आया करेंगी। इसमें मैं दूंगा आपके द्वारा कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब, या फिर अगर आप लोगों ने कुछ कमेंट में कहा है और उसका मुझे रिप्लाई करना है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से करूंगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट किया था मानस झा ने, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने लिखा था कि आपका लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने भी नोटिस किया है कि जब मैं लाइव आता हूँ तो कोई भी मतलब आता ही नहीं है। अभी लास्ट वीक भी यही हुआ कि मैं लाइव आया लेकिन कोई आया ही नहीं, तो मुझे भी लगा था कोई ना कोई तो ग्लिच है कि मैं लाइव आ रहा हूँ बट नोटिफिकेशन जो आपके पास नहीं पहुँच रहा है। तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिए कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसमें ऑल टिक है कि नहीं, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। तो एक बार आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिए। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है दिव्यांश गुप्ता का, ये लिखते हैं कि कलर कोडेड स्टिकर कैसे लें। दिव्यांश जी, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है कि दिल्ली और यूपी के लोगों को कलर कोडेड स्टिकर कैसे लेना है, ऑनलाइन प्रोसेस भी है इसका। और अगर आपको ये ऑफलाइन करवाना है तो आप मुझे मेल कीजिए keshumayank@gmail.com पे, मैं उसमें आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, इससे आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है विवेक कुमार जी का, इन्होंने लिखा है सर हम DU में एलिजिबल हैं ओल्ड रिजल्ट का अकॉर्डिंग, और ऑप्शनल एग्जाम देने के बाद भी मेरा रिजल्ट इंक्रीज हुआ है। ओके, एडमिशन हम ओल्ड रिजल्ट के बेस पर ले लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, प्लीज सर रिप्लाई मी। देखिए विवेक जी, आप पहले भी एलिजिबल ही थे और आपका एडमिशन हो रखा है, और अब तो अच्छी बात है कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो अब नया वाला रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स होगा और आपका इसमें एडमिशन में कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज इस साल तो ये कंडीशन आएगी ही आएगी कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर घटेंगे, तो आपके इंक्रीज हो गए हैं तो आपको इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट किया है नीरज सिंह जी ने, उन्होंने लिखा है कि मयंक भाई हम लोग चाहते हैं कि आपका वीडियो हमेशा आता रहे, आप लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग कॉमेडी वीडियो या थोड़ा कुछ डिफरेंट वीडियो पोस्ट किए, हम लोग चाहते हैं कि नज़र बट्टू से भी ज़्यादा आप लोग वीडियो का वीडियो चले, थैंक्स आप लोगों का छोटा भाई नीरज सिंह। थैंक यू नीरज भाई, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी वीडियोस बने। और अब मैंने इस चैनल का नीच भी सिलेक्ट कर लिया है, वो है मोटिवेशनल वीडियोस, तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आपको व्लॉग्स देखना है या बाकी वीडियोस देखनी है तो आप मयंक केशव फिल्म्स व्लॉग्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बाकी सारी वीडियोस अब वहाँ पे आएंगी, जैसे व्लॉग टाइप हो गया या जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस होती हैं वो उस पे आएंगी। इस चैनल पे सिर्फ मोटिवेशन स्टोरी वीडियोस आएंगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट किया है कि सिंगिंग स्टार ने, अच्छा मैंने ये कमेंट इसलिए पिक किया बिकॉज उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले, इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि बहू बाय आर्या स्टोरी, बट जब मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा कि ये क्या लिखा है तो आप गौर कीजिएगा, इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत बढ़िया स्टोरी, इन्होंने ये कमेंट किया है सिंगिंग स्टार ने। तो सिंगिंग स्टार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने जो मैं कह रहा हूँ वही लिखा था ना कि बहुत बढ़िया स्टोरी, या आपने कुछ और लिखा था। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट फिर किया है नीरज सिंह ने, इन्होंने लिखा है कि मयंक भाई आपका वीडियो अब क्यों नहीं आता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि पहले तो मतलब हम लोग डालते थे वीकली वीडियोज, 15 डेज पे वीडियोज, बट अब तो मैं डेली वीडियोज पोस्ट कर रहा था और अभी भी अल्टरनेट वीडियोज पोस्ट कर रहा हूँ, फिर भी बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि वीडियोज क्यों नहीं आ रही हैं। और ये नीरज सिंह जी ने भी सेम चीज़ बोली है कि वीडियो आपकी नहीं आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पे क्या ग्लिच है। बट आप लोग प्लीज़ वो चीज़ कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चेक कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, बिकॉज नोटिफिकेशन ऑन नहीं है वो तो आपके नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को चेक कीजिए। और नीरज भाई वीडियोज़ लगातार आ रही हैं, वीडियोज़ बनना का ये बंद ही नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबा रखा है कि नहीं दबा रखा, और उसमें भी आपको ऑल को चूज़ करना है कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट किया है दीपक चौहान जी ने, लिखते हैं कि जब हम स्टेट पर जाते हैं तो दिल्ली और यूपी दिखता है, मुझे हरियाणा नंबर चाहिए। अब देखिए दीपक जी, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बता रखा है कि दिल्ली एंड यूपी यानी कि DL और UP नंबर जो है ऑनलाइन प्रोसेस का स्टार्ट हो चुका है, और बाकी जितने भी स्टेट्स यानी कि HR यानी कि हरियाणा के जो स्टेट हैं उनको RTO के थ्रू ही काम कराना पड़ेगा। बट अभी जो ये सिस्टम था नंबर प्लेट्स का, कलर कोडेड स्टिकर्स का, ये फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी ग्लिचेस थे वेबसाइट पर और मतलब कोई भी चलान नहीं होगा। जैसे पहले क्या था कि अगर आपने 31 अक्टूबर तक इसको फिल नहीं किया, नंबर प्लेट नहीं लगवाए, कलर कोड स्टिकर नहीं लगवाए, तो आपको 10,000 का चलान कटेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है जब तक ये ग्लिचेस दूर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये फिलहाल RTO के थ्रू ही आपका काम हो पाएगा,
बिकॉज हरियाणा में ये काम जो है आरटीओ के थ्रू ही हो रहा है। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है फूल हसन जी का। ये लिखते हैं कि दिल्ली में भी कोई इशू नहीं है, अब चालान नहीं कटेगा। जी हाँ फूल हसन जी, अभी जो HSRP नंबर प्लेट्स का कानून लागू हुआ था उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको मैं दूसरे चैनल पे पोस्ट करूंगा। इसका नाम है मयंक केशव फिल्म्स व्लॉग्स, तो आप लोग उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज उसमें लेटेस्ट अपडेट्स मैं डालूंगा, तो उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट भी इन्होंने ही किया है फूल हसन जी ने। लिखते हैं कि ऑनलाइन TVS कंपनी का नाम क्यों नहीं आ रहा है। देखिए वेबसाइट में यही तो इश्यूज आ रहे हैं, जो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसमें नेम फिल नहीं है, तो इसीलिए इसको रोका गया है। बिकॉज काफी लोग फिल करना चाह रहे हैं लेकिन वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो आप मुझे प्लीज मेल कीजिए keshumayank@gmail.com पे। मैं आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उनसे आप बात कीजिएगा, आपका ऑफलाइन काम हो जाएगा, नंबर प्लेट आपका बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर। अगला कमेंट किया है आशीष कुमार झा, ये मेरे भैया ही हैं। इन्होंने लिखा है कि 365 डेज 365 स्टोरीज बोला था सर। अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि मैं डेली जो वीडियोस पोस्ट कर रहा था उसके बारे में। अब हुआ क्या कि मैं डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन अब मैं चाह रहा था कि मतलब वीडियो में क्वालिटी आए। बिकॉज डेली पोस्ट करना मतलब बड़ी बात नहीं होती, अगर मैं आपको ऐसा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं जिस कंटेंट से आपको फील हो कि हाँ ये कंटेंट शेयर करने वाला है, ये कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है, तब तक कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा गैप दे दिया बीच बीच में। अब मैं अल्टरनेट डेज वीडियोस डाल रहा हूँ, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। इसका रीजन यही है कि मैं अब पूरा का पूरा फोकस करता हूँ एक कंटेंट पे, बिकॉज मोटिवेशनल स्टोरी मुझे सुनानी भी है आप लोगों को, और उसमें मुझे आपको अपनी राय भी देनी है उस स्टोरी के बारे में, तो इसलिए मैंने इसको अब ऑल्टरनेट कर दिया है। तो वीक में थ्री डेज वीडियो आएंगी, एंड संडे को लाइव मैं 8 बजे आऊँगा, बट उसका कोई कन्फर्म नहीं है, कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा, बट ये 3 डेज वीडियोज आपकी आएंगी लगातार। तो अब 365 डेज में 365 वीडियोज नहीं आएंगी, हफ्ते में 3 ही वीडियोज आएंगी, बट तीनों वीडियोज जो हैं आपके लिए फायदेमंद होंगी। मेरा ये पूरा मतलब कोशिश होगा कि आपके लिए वो तीनों वीडियोज जो है वीक में आती हैं वो बहुत ही फायदेमंद हो। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब मैं कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग को दिख रहा होगा ये वीडियोज के थ्रू। सो फिलहाल आज के ये कॉमेंट्स से क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बिकॉज काफी इसमें से क्वेश्चन नहीं थे, बट मैंने सोचा कि इसका जवाब जो है मैं आप लोगों को भी दे दूं इस वीडियो के थ्रू। सो अगर आप लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं अगले दिन सैटरडे को उसका जवाब दे दूंगा। सो आशा करता हूं कि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगा होगा, चलो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास मिले कुछ सजेशन प्लीज कॉमेंट में बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं सो फॉर करे पहले अगली वीडियो सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।